गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेनू सोरेन, टीचर ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से सुभागी और रामू का एवं उसके माता पिता का आपस में झगड़ा हो जाने के बाद किस प्रकार से पंचों को बुलाकर रामू ने अपने माता पिता को अलग करवा दिया था और उसके माता पिता भी उसके साथ रहना नहीं चाहते थे। पंचों को बुला करके, गांव के लोगों को बुलाकर अलग रहने का फैसला किया गया। अब हम आगे देखेंगे कि सहसा सुभागी वहां आकर बोली, दादा यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हो। जब सुभागी ने सुना कि मेरे कारण मेरे भाई को मेरे माता पिता से अलग होना पड़ रहा है या माता पिता को भाई से अलग किया जा रहा है, तो उसे बहुत अधिक अंदर से दुख हुआ और उसने कहना शुरू कर दिया कि दादा अगर मेरी वजह से ये सारा चीज हो रहा है तो आप मुझे ही क्यों नहीं अलग कर देते हैं। तुलसी माँ तो बोले, बेटी हम तुम्हें ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। अब तुलसी माँ तो कह रहे हैं कि बेटी मेरे लिए सारा संसार छूट जाए परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। गांव में जहाँ देखो सबके मुँह से सुभागी की प्रशंसा, लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम अकेली करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सी तो कहते हैं यह सब यह इस जन्म की देवी है, किंतु शायद तुलसी मातो की किस्मत में यह सुख अधिक दिनों तक भोगना ना लिखा था। लोग ये कहते थे कि सुभागी के रूप में तुलसी मातो को एक देवी के रूप में एक देवी प्राप्ति हुई है, लेकिन शायद महतो के किस्मत में बहुत अधिक दिनों तक अपनी सुभागी के साथ रहना नहीं लिखा हुआ था। 7-8 दिन से महतो तेज ज्वर से पीड़ित हैं, लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही महतो ने पानी मांगा था, तो पानी लेकर आने से पहले ही उनके हाथ पांव ठंडे। अब क्या था कि कुछ देर पूर्व ही तुलसी महतो ने पानी मांगा था, लेकिन जब तक सुभागी पानी लेकर के आती तब तक पानी लेकर उनके उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी अपने बाप की यह दशा देखते ही दौड़ती हुई रामू के घर पहुंची तथा बोली, भैया जल्दी से चलो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा है। जैसे ही सुभागी ने अपने पिता की ऐसी स्थिति देखी और उनका फीवर बुखार नहीं उतर रहा था, तो दौड़ती हुई वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि रामू के घर पहुंची तथा बोली, भैया जल्दी से चलो, आज दादा ना जाने क्यों इतने ऐसे हुए जाते हैं, उनका फीवर या ज्वर 7 दिनों से नहीं उतरा है। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर या हकीम हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ कि ज्वर नहीं उतरा है, बुखार नहीं उतरा है, तो क्या मैं वहाँ पर जाकर डॉक्टर का कार्य कर सकता हूँ। तब जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। अब गले का हार बनी हुई थी, बहुत अत्यधिक तुम प्रिय थी, जिस जब तक वो जिंदा थे या जब तक वो ठीक थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, और आज तुम मेरे पास आ रही हो जब वो बीमार पड़ गए हैं, तो तुम मुझे बुलाने आ रही हो, मैं नहीं जाने वाला। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे एक शब्द ना कहा, वो सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जैसे ही मातो की स्थिति की बात सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां आकर देखा तो मातो की स्थिति और अधिक खराब हो चुकी थी, नाड़ी बहुत अधिक धीमी पड़ गई थी। वे तुरंत समझ गए कि मातो की जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। सजल नेत्रों से अर्थात भरे हुए नेत्रों से होकर बोले, अब कैसी तबीयत। मैं तो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो दुनिया से पलायन करने का समय आ गया, सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्हें ही सौंपे जाता हूँ। अब क्या होता है कि
तुलसी मातो की स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है और वह सज्जन सिंह को अपने पुत्री की पूरी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं या सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया मातो घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे ऐसे ही मानता रहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। कुछ और ही इच्छा हो तो और बता दो। कह रहा कि मैंने तो सदा से ही सुभागी को अपनी पुत्री माना है और यदि कोई और इच्छा हो तो तुम मुझे बता दो, मैं इसकी पूर्णता देखभाल करूंगा। महतो ने विनीत स्वर नेत्रों से देखते हुए कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दो। अब सज्जन सिंह कह रहे हैं कि मैं रामू को बुला करके लाता हूँ और उससे जो भी भूल चूक हुई हो उसको तुम अपनी जिंदगी में ही उसे क्षमा कर दो। नहीं भैया, उस पापी का मुझे मुंह भी मैं नहीं देखना चाहता। अब वो इतना अधिक अंदर से अपने पुत्र से वो पीड़ित हो चुके थे कि कह रहे हैं कि नहीं भैया, मैं अपने पुत्र का मुंह भी देखना पसंद नहीं करूंगा। मां तो नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं देखना नहीं चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर में ने समझाया किंतु वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, जिस बाप ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार ना किया हुआ मेरा पिता है, ना ही मैं उसका पुत्र। अब जैसा कि हमारे समाज में होता है कि पिता या माता की अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार या अंतिम मुखाग्नि पुत्र ही देता है, उस कार्य को भी रामू ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पिता ने उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं किया था, इसलिए उनकी अंत्येष्टि में भी वो शामिल होने नहीं आया। स्वीकार ना किया, ना वह मेरा पिता है और ना ही मैं उसका पुत्र हूँ। उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि मेरा वो पिता नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं उसका पुत्र नहीं हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार किया, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जोड़ लिए थे। जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। तेरहवीं के दिन गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, सभी लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी, सुभागी अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुओं को संभालने में लगी थी। उसी समय सज्जन सिंह आए तथा बोले, अब तुम आराम करो बेटी, यह सब काम तो सुबह उठकर भी किए जा सकते हैं। अब जब तेरहवीं का सामान खरीदा जाने लगा तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सुभागी ने इतने पैसों का जुगाड़ किस प्रकार से किया होगा। सज्जन सिंह बोले, वह पूछकर क्या करोगी बेटी, अभी थकी नहीं हूँ दादा, अपने जोड़ लिया कुल कितना खर्च हुआ। वो कह रही है कि अब मैं थकी नहीं हूँ दादा, आप मुझको बताइए कि इस सारे कार्यक्रम को करने में कितना पैसा खर्च हुआ है, मुझे आप अभी तुरंत जोड़कर बताइए। सज्जन सिंह बोलते हैं कि मैं दूसरे दिन तुम्हें बता दूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, आप मुझे अभी का अभी हिसाब दीजिए। सुभागी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं हो नहीं यूं ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3,000 होंगे। सुभागी ने सब कुछ आते हुए कहा, मैं इतने रुपए की देनदार हूँ। अब वो कह रही है, उसको थोड़ा सा थोड़ी सी वो सकुचाई भी, और उसने कहा कि ठीक है दादा, अब मैं 3,000 रुपए की देनदार हूँ, मैं आपको ये रुपए अवश्य लौटा दूंगी। पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। पति जब तुलसी मातो मर गए तो उनकी पत्नी लक्ष्मी की भी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया था। सुभागी के आग्रह पर खाने की कोशिश करती परंतु एक और गले से नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना उसने खाना खाए हो। लक्ष्मी और महतो 50 वर्षों तक जब से विवाह के बंधन में वो बंधे थे तब से एक पहर भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो एक साथ खाना नहीं खाते हों। अब जबकि उसका पति नहीं है और अब लक्ष्मी को एक कौर भी खाना उसके निवाला जो है वो अंदर जाने का नाम नहीं ले रही है।
आखिर उसे खांसी आने लगी। शारीरिक कमजोरी की वजह से जल्द ही उसने खाट पकड़ ली। सुभागी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए मन से कामकाज करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली पड़ जाए, उनके पास बैठो तो बाहर का काम कौन करे। बहुत अधिक दुविधा इस सुभागी के मन में जीवन में आ गई कि यदि वो काम करके उनके पैसे चुकाती है तो वो माँ को अकेले छोड़ देती है। इस प्रकार से वो बहुत अधिक दुविधा में पशुपेश में फंसी रह जाती थी। उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की स्थिति देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय अब आ गया है, निकट आ गया महतों को भी, तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन यह भी संसार से कूच कर गई। तुलसी मातो के मरने के 15 दिन के बाद, ठीक 15 दिन के बाद लक्ष्मी उनकी पत्नी भी जो थी वो स्वर्ग को सिधार गई। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15 दिन भी वह संसार से कूच कर गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रिया कर तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। अब क्या है, सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी जो थी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रिया कर्म भी तुम ही करना। अब उसकी माँ लक्ष्मी जो है वो कह रही है कि मेरे बेटे को मुझे क्रिया कर्म करने मत देना, मेरी क्रिया कर्म भी तुम ही करना, और ऐसा है कि अगले जन्म में ही तुम मेरी कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। 3 वर्ष तक सुभागी ने रात को रात, दिन को दिन ना समझा। उसकी काम करने का सामर्थ्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। सारा दिन खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद वह रात को आटा पीसती थी। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती थी, इसमें कभी नागा ना पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, परंतु सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। क्या था कि अब इतना दिन रात मेहनत करके वो सज्जन सिंह के पैसों को वापस करना चाहती थी, और उसके गुणों को देखते हुए हर घर से उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन सुभागी का एक ही जवाब हुआ करता था कि अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया है, समय आने पर मैं स्वयं बता दूंगी। बच्चों, आज आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पाठ